हमें गरवारे टेक्निकल फाइबर्स, ये कंपनी हमारे फोकस में, ज्यादातर आरएनडी फाइबर बिजनेस में है कंपनी का कारोबार। और अगर हम देखें तो कंपनी हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर रोप्स भी बनाती है, और ओवरऑल भारत के अलावा कंपनी के 6 देशों में ऑफिस और 75 से अधिक देशों में ग्राहक मौजूद है। कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से बात करते हैं, एक्सपोर्ट्स को 5 गुना करने के लक्ष्य पर का कंपनी पर क्या होगा असर, किस तरह से अचीव करेंगे टारगेट्स, और क्या है इस वक्त डिमांड आउटलुक। कोरोना वायरस वेरिएंट के भी बारे की वजह से भी क्या असर दिख रहा है दूसरे देशों पर। चलिए, कंपनी के सीईओ शाजुल रहमान हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। रहमान, गुड आफ्टरनून, शुक्रिया हमें समय देने के लिए। सर, एक क्वार्टर की बात कर लेते हैं सर, इस वक्त किस तरीके के डोमेस्टिक बिजनेस नंबर्स दिख रहे हैं, इंटरनेशनल बिजनेस पर फिलहाल किस तरीके का असर पड़ रहा है, स्पेशली ऑन अकाउंट ऑफ दिस न्यू वेरिएंट ऑफ कोरोना, क्या वाकई थोड़ी सी डिमांड में सब्ड्यूडनेस दिख रही है? शुक्रिया आपने इस शो में हमको आमंत्रित किया। देखिए, अभी जो नया वेरिएंट है इसके बारे में कुछ ज्यादा हम बता नहीं सकते, कुछ क्लियर नहीं सबको, बट हमारा बिजनेस क्योंकि फूड से रिलेटेड है, 70% बिजनेस हमारा फूड से रिलेटेड, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे एक्वाकल्चर हो, चाहे फिशिंग हो, तो उसमें हमको कोई डिमांड में कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा। और इंटरनेशनल मार्केट से भी हमारी ऑर्डर पोजिशन बहुत अच्छी है, सिचुएशन काफी बेटर लग रही है, आउटलुक काफी अच्छा है ओवरऑल वे फॉरवर्ड का। आपके नंबर्स पर सर थोड़ा नजर डालेंगे और हम जानना चाहेंगे किस तरीके के टारगेट्स रखे हैं साल के अंत तक, आप क्या टारगेट अचीव करना चाहते हैं, अगर रेवेन्यू की बात करें, बोथ टॉप लाइन बॉटम लाइन, मार्जिन्स, क्या प्रोस्पेक्ट्स दिख रहे हैं इस साल के लिए, और फिर आगे सालों के लिए कैसे गियर अप करें? मार्जिन प्रोफाइल हमारा सेम सस्टेन करेंगे, हम कोशिश रहेगी सस्टेन करें, टारगेट्स तो हम लोग इंटरनल बनाए हैं और कोशिश कर रहे हैं उनको अचीव करने की। अभी थोड़ी सी हमको रॉ मटेरियल से बेनिफिट मिल रहा है, रॉ मटेरियल थोड़ा कम हुआ है, उसका इफेक्ट मिलेगा। जो इशू था एक्सपोर्ट में सप्लाई चेन का, लॉजिस्टिक का, कंटेनर अवेलेबिलिटी, वो भी थोड़ी इम्प्रूव हो रही है, उससे भी हमको फायदा लगेगा। फ्रेट रेट्स अब थोड़े सॉफ्टन हुए, वो भी ओवरऑल हमको फायदा करेंगे। जहां तक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, हमारा नॉर्वे में काफी ग्रोथ आ रहा है, चिले में ग्रोथ आ रहा है, काफी मार्केट्स में एग्रीकल्चर में ग्रो कर रहा है, हमारा स्पोर्ट्स सेगमेंट भी बहुत अच्छा जा रहा है, तो ओवरऑल आउटलुक काफी पॉजिटिव है इंटरनेशनल बिजनेस का। डोमेस्टिक की रिवाइवल भी काफी अच्छा लग रहा है, इस कोरोना वायरस का जो करंट वेरिएंट का इंपैक्ट कुछ ज्यादा नजर नहीं आ रहा मार्केट पे, डिमांड काफी सॉलिड है, कोई फर्क नहीं लग रहा हमको। तो डिमांड अच्छी दिख रही है, वहां पर कोई असर नहीं दिख रहा नेगेटिव, एंड ऑल्सो आपने कहा डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों ही बिजनेसेस में अच्छी इस वक्त ग्रोथ है, एंड स्पोर्ट्स सेगमेंट आपने कहा बढ़िया जा रहा है। सर, गवर्नमेंट ने रिसेंटली बोला है कि एक बड़ा टारगेट 5 गुना इंक्रीज करेंगे टेक्निकल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 5 साल में, किस तरह से देखते हैं इस टारगेट को और आपका क्या पार्टिसिपेशन होगा, आपके बिजनेस को कितना बेनिफिट होगा इसकी वजह से? 60% 65% बिजनेस हमारा इंटरनेशनल मार्केट से आता है, हमारे ऐसे कई सेगमेंट है जिनमें हम ग्रोथ का प्लान कर रहे हैं, एग्रीकल्चर हमारी नई टेक्नोलॉजी काफी हिट हुई है काफी मार्केट्स पे, तो उसका हमको बेनिफिट मिलेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इनिशिएटिव है, जो एग्रेसिव टारगेट है, उसमें हम सपोर्ट करेंगे और कोशिश करेंगे हम भी 5 गुना ग्रो करें, तो उसका प्लान अभी बन रहे हैं। ओके, प्लान बन रहे हैं और आप भी उम्मीद करें 5 गुना ग्रो करें विद द गवर्नमेंट्स फोकस। सर, इंफ्रा सेक्टर पे काफी ऑफकोर्स सरकार की भी फोकस है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेट गवर्नमेंट में भी, इनफैक्ट नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन इनिशिएटिव भी सरकार ने लॉन्च की है, किस तरीके की डेवलपमेंट्स, ये जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो असर कैसे देखेंगे आपके बिजनेस पर, क्या प्रोस्पेक्ट्स दिख रहे हैं? हमारा दो सेगमेंट है, सेफ्टी बिजनेस और जियो सेंट्रिक बिजनेस, दोनों में ऑर्डर पोजीशन अच्छी है, जो रिवाइवल हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर का उसको हमको फायदा मिल रहा है, ऑर्डर पोजीशन अच्छी है, और हम अपनी कैपेसिटी भी रैंप अप कर रहे हैं इन सब सेगमेंट्स में, कुछ नए सेगमेंट में डाइवर्सिफाई भी किया है सेफ्टी और जियो में, तो ओवरऑल आउटलुक काफी पॉजिटिव है। नए सेगमेंट्स में आप डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, थोड़ी सी डिटेल्स देंगे सर, किस तरीके की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नए सेगमेंट्स में आपको दिख रही है, और सेगमेंट्स जो आप ज्यादा बुलिश है इन योर बिजनेस, जो अच्छी ग्रोथ देंगे, हाई मार्जिन देंगे, वो कौन से होंगे सर? ठीक है, हमारा एग्रीकल्चर बिजनेस में काफी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है और उसमें मार्जिन भी हमारा सबसे अच्छा रहता है, और स्पोर्ट्स जो इंटरनेशनल मार्केट में जा रहा है उसका रिवाइवल अच्छा हुआ है, स्कूल कॉलेजेस अभी यूएसए यूरोप में खुलने लगे हैं और होम कंजम्पशन भी काफी बढ़ गया है स्पोर्ट्स सेगमेंट का, उससे हमको ग्रोथ मिल रही है। और जहां तक डोमेस्टिक का सवाल है, सेफ्टी बिजनेस में हमारे ऑर्डर पोजीशन अच्छी है और उसमें हमारे ओवरऑल ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी अच्छी है, सेफ्टी हार्नेस और सेफ्टी बिजनेस में।
ओके, सेफ्टी, एग्रीकल्चर, स्पोर्ट्स, ये कुछ एरियाज हैं जो आप कह रहे यहाँ पर अच्छी ग्रोथ होगी. सर, जीएसटी काउंसिल ने भी प्रपोज किया है इंक्रीज करने का जीएसटी रेट्स ऑन फैब्रिक्स एंड गारमेंट्स 5 से 12% तक फ्रॉम 1 जनवरी 2022. किस तरीके का असर आप अपने बिजनेस पर इसका देखते हैं? हम अपने कस्टमर से बात कर रहे हैं, जो कस्टमर इंस्टीट्यूशंस हैं या गवर्नमेंट से डील करते हैं, उनके पास जीएसटी का इनपुट लेने का सुविधा है, उनसे हम डिस्कस करेंगे वो इनपुट क्रेडिट लें. जो हमारे फार्मर या फिशरमैन, उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, उनके साथ हम डिस्कशन कर रहे हैं. कुछ लोग रिप्रेजेंटेशन भी कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि कुछ गवर्नमेंट रीलुक करे, बट अभी डिस्कशन चल रहे हैं और 1 जनवरी से इम्प्लीमेंट होगा तो इसका थोड़ा इफेक्ट होगा शुरू में, बट बाद में फिर स्टेबलाइज हो जाएगा. सर, किस तरीके की इम्पैक्ट रॉ मटेरियल प्राइसेस की आपके बिजनेस पर पड़ी है और आगे किस तरीके का आउटलुक रखेंगे, कैसे हेज करेंगे जो कंसर्न्स हैं, स्पेशली रॉ मटेरियल प्राइसेस जो बढ़ रहे थे, प्राइम रॉ मटेरियल्स, एंड उसको कैसे आप हैंडल करेंगे और कैसे डू यू थिंक यू विल हैव टू पास इट ऑन टू द कंज्यूमर्स टू प्रोटेक्ट मार्जिन? रॉ मटेरियल थोड़ा सॉफ्ट होना शुरू हुआ है, उसका हमको थोड़ा फायदा मिलेगा. जहां तक हमारा पोजीशन है रॉ मटेरियल्स रिलेटेड प्राइसेस की, तो हम कस्टमर को जो प्राइस देते हैं थोड़ा आउटलुक बिल्ड करते हैं और देखते हैं अगले महीने या उसके 2 महीने बाद सिचुएशन क्या रहेगी, और रॉ मटेरियल में हम बिल्डिंग करते हैं. अगर सिचुएशन काफी अबनॉर्मल होती है तो हम कस्टमर के पास जाके प्राइस इंक्रीज की बात भी करते हैं. तो कोशिश करते हैं हम अपना मार्जिन इंटैक्ट करें, चाहे रॉ मटेरियल जितना भी वोलेटाइल हो. ओके ओके, श्योर सर. प्रोडक्ट्स की बात आप कर रहे थे कि नए प्रोडक्ट्स भी आपके प्लान्स में, एक्सपेंशन भी आप कर रहे हैं, तो इन पे मैं जानना चाहूंगी किस तरीके के प्रोडक्ट प्लान पाइपलाइन दिख रही है इस वक्त और कैपेसिटी कितनी है सर, एनुअल कैपेसिटी एट प्रेजेंट, और एक्सपेंशन के आपके क्या प्लान्स है, थोड़ा सा उसको इलैबोरेट करिए, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे उसमें? कैपेसिटी हमारा यूटिलाइजेशन नॉर्मली 80% के आसपास, 90% के आसपास रहता है. हमारा कैपेसिटी मॉड्यूलर है, तो हम कहीं पर डिमांड कम होती है तो उसका कैपेसिटी किसी और सेगमेंट यूटिलाइज कर लेते हैं. नॉर्मली हम 40-50 करोड़ का कैपेक्स हर साल इन्वेस्ट करते हैं, और उतना ही हमारा इस साल भी प्लान रहेगा. जहाँ तक सेगमेंट का सवाल है, एक्वाकल्चर में कुछ सेगमेंट है जहाँ पर हम कुछ कंट्रीज में जहाँ हमारी प्रेजेंस कुछ अलग सेगमेंट में थी, उसमें हम जैसे नॉर्वे में हम HDPE में काफी ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर नायलॉन का मार्केट है, वो सबसे बड़ी मार्केट है दुनिया की, तो वहां को हमको इनिशियली काफी सक्सेस मिला है और उसको हम कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे. कितना अमाउंट सर लाइनअप किया हुआ है फॉर कैपेक्स ओवर द नेक्स्ट 2-3 इयर्स, थोड़ा डिटेल में बताएंगे, और कैसे इन्वेस्ट करेंगे उस अमाउंट को, किन किन वर्टिकल्स में एग्जैक्टली, इफ यू कैन गिव अस अ फिगर? नॉर्मली जैसे मैंने बताया, इस साल हमारा 40-50 करोड़ का कैपेक्स का प्लान, उतना ही हमारा नॉर्मली रहता है. हमारा प्लान में कैपेसिटी रैंप अप की अपॉर्चुनिटी है, तो हम कुछ नया प्लान लगाने का प्लान नहीं कर रहे हैं. और सेगमेंट वाइज क्योंकि मॉड्यूलर कैपेसिटी है, तो अगर किसी में डिमांड ज्यादा होती है तो हम रैंप अप कर लेते कैपेसिटी. तो हमारा बेसिकली आउटलुक 40-50 करोड़ का है इस ईयर. 40-50 करोड़, ओके, फॉर अ ईयर. और टिपिकली आप उतना ही करते हैं एवरी ईयर, सो 40-50 करोड़ तक की कैपेक्स है. सर, M&A अपॉर्चुनिटीज आपके बिजनेस में आपको दिख रही है इस वक्त, कुछ अच्छे बिजनेसेस आप कह रहे हैं डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं, ग्रोथ बिजनेसेस की तरफ फोकस है, कुछ है अच्छे प्रोजेक्ट्स इंडिया में या इंटरनेशनल जो आप देख सकते हैं, कुछ है अपॉर्चुनिटीज दैट यू विल बी कीन फॉर? हम लोग लुकआउट पर रहते हैं, कोई ना कोई अगर मिलती है तो इवैल्यूएट करते हैं. अभी तो फिलहाल कुछ हमारे हाथ में नहीं है, बट क्योंकि हमारे कैश है बैलेंस शीट पे काफी, और ग्रोथ के लिए हम M&A को इवैल्यूएट कर रहे हैं, और इंटरनेशनल और इंडिया दोनों जगह डिस्कशन चलते हैं, बट अभी तक कुछ ऐसा कॉन्क्रीट नहीं जो आपसे बता सकूं. एग्जैक्टली सर, मेरा यही सवाल था कि आप कैश यूटिलाइज कैसे करेंगे सिंस यू गॉट गुड कैश ऑन योर बुक्स, तो अपार्ट फ्रॉम यू नो ऑर्गेनिक ग्रोथ, इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज फिलहाल आप कह रहे हैं अभी कुछ फाइनल स्टेजेस पे नहीं है, बट बात करें. श्योर. ग्रीन टेक्नोलॉजी सर, इस पर बहुत फोकस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, एनर्जी एफिशिएंसी, रिन्यूएबल एनर्जी, यहाँ पर किस तरीके के आपके फोकस रहेंगे, और क्योंकि आपके बिजनेस टिपिकली विल ऑल्सो गिव एमिशंस, वेस्ट जो जनरेट होगा विद वेरियस ऑपरेशंस, उसको कैसे बेस्ट यू नो कर्टेल करेंगे? हमारे प्लांट में काफी ग्रीन एनर्जी यूज हो रही है, रिसाइकलिंग के लिए भी काफी डिस्कशन चल रहे हैं, बाहर भी जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको रिसाइकलिंग के लिए हम टाई अप करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम अपना प्रोडक्ट्स को रिसाइकिल कर सकें. अभी हमने अपने प्लांट में कुछ रिसाइकिल करके फ्यूल भी बनाया है, तो उस पर पूरा हमारा फोकस, जो हमारे कस्टमर इंटरनेशनल कस्टमर्स हैं और उनको रिसाइकिलिंग और के बारे में काफी हमसे पूछते रहते हैं, तो हम लोग काफी तैयारी कर रहे हैं और हम लोग लोकल टाई अप करेंगे रिसाइकिलिंग के लिए इंटरनेशनल मार्केट में.
ऑल राइट ओके मिस्टर रहमान, बहुत बहुत शुक्रिया।